नमस्कार। मार्च का पहला हफ्ता बीत चुका है और लोगों को होली का बेसब्री से इंतजार है। इस बार होलिका दहन 20 मार्च यानी बुधवार को है। इसके बाद अगले दिन 21 मार्च यानी गुरुवार को होली का त्यौहार है, मतलब गुरुवार को रंग खेला जाएगा। लोगों ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बाजार में होली के रंग दिखने लगे हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि बैंकों में होली की छुट्टियाँ कब से पड़ेंगी, जिसे देखते हुए आप पहले ही कैश का इंतजाम कर सकें। HDFC में ईस्ट दिल्ली और UP के रीजन हेड मोहित सिन्हा का कहना है कि इस बार होली 20 मार्च को जलाई जाएगी, जबकि 21 मार्च को रंग खेला जाएगा। 20 और 21 मार्च को बैंकों में होली का अवकाश रहेगा, मतलब दोनों दिन बैंक नहीं खुलेंगे। इसके बाद अगले दिन 22 मार्च को शुक्रवार है, इस कारण बैंक खुलेंगे। इसके बाद 23 मार्च को चौथा शनिवार होने की वजह से बैंक फिर से बंद रहेंगे। 24 मार्च 2019 को रविवार है, उस दिन भी बैंक नहीं खुलेंगे, मतलब पूरे हफ्ते केवल 3 दिन बैंक खुलेंगे, जबकि 4 दिन बैंक रहेंगे बंद रहेंगे। मोहित सिन्हा का कहना है कि त्यौहार को देखते हुए ATM में पहले ही कैश डाल दिया जाता है, बैंक ग्राहकों को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। धन्यवाद।